स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं सोया चाप। तो दोस्तों इसको हमने घर पर ही बनाया, आप चाहे तो रेडीमेड भी इसको मंगा सकते हैं। और ये हमने घर पर बनाया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करें और हमारी ये रेसिपी आपको देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम इसकी सब्जी बनाने के लिए, बिल्कुल 5-स्टार होटल के जैसी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सोया चाप को अपने ये निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसे दबा के निकालेंगे, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। वीडियो हमारे लास्ट तक जरूर देखें। अब हम इसको एक चाकू से काट देंगे। देख सकते हैं इसको कितना ये मुलायम है। इस तरह से हम सारे काट कर लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये चाप जो है वो अच्छे से कट गया है। अब हम इसके आगे की तैयारी शुरू करेंगे। हमने ये 3 टमाटर लिए हैं, 4-6 हमारी हरी मिर्च है और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो हम इन टमाटरों को जो है मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। चलिए हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी बनानी है। 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। खड़े मसालों में हमें 2 छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 3 सफेद इलायची और 4-5 हमारी लौंगे हैं। बस खड़ा मसाला हमें बस इतना ही चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने चाप डाल देंगे। दोस्तों हमें इसको धीमी आंच में ही पकानी है जिससे कि हमारी ये चापे जो है अंदर तक पक जाए और हमें ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही इन्हें फ्राई करना है। हल्की हल्की हमारी चापे जो है वो फूल रही हैं, देख सकते हैं कितनी मोटी हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे चापे जो है वो अच्छे से भून गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो दोस्तों ये हमारी 2 से 3 घंटे हैं प्याज की। अब हम इनको अच्छे से तेल में भून लेंगे। जब तक हमारी ये प्याज गोल्डन कलर की होती है तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे बटर और हमने 1 कटोरी दही लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, हमें ज्यादा तेज इसे नहीं करना है और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हम अपनी तेल हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना होगा इसमें क्योंकि हम चाप अपने बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, इसलिए तेल हमारा थोड़ा ज्यादा ही होगा। ये हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे अपना पिसा हुआ। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार डाल दें आप नमक। टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं हमारे टमाटर जो है वो भून चुके हैं और टमाटर में तेल छोड़ दिया, ये साइडों से सारा तेल हमारा दिखने लगा है।
अब ये मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे और अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमारा पानी जो है वो खत्म हो गया और मसाले हमारे अभी भुनने को हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम अपना पिसा हुआ प्याज डाल देंगे, तो भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें अपने चापे डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। देख सकते हैं हमारे चापों का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम धीमी आंच में 7-8 मिनट पकाएंगे, जिससे कि हमारी चापों में मसाला अच्छे से भर जाए। दोस्तों 7-8 मिनट हो गए हैं हमारे चापों को पकते हुए, देख सकते हैं आप ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। देख सकते हैं चाप हमारी गल गई है, देखिए। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारे चापे, इनको घर पर आप एक बार जरूर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।